हेलो गाइस, आपका स्वागत है GTA 5 के एक और नए वीडियो में। आज हम खेलने वाले हैं GTA 5। तो लास्ट वीडियो में हमने आतंकवादी का बॉस था उसको पकड़ लिया था और हम उसको आर्मी के कर्नल के पास ले जा रहे थे। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये जो आतंकवादी है इसका बॉस ही हमने जिंदा ही पकड़ लिया था। तो भाई कर्नल बोल रहा था कि इसको मुझे जिंदा चाहिए, तो हमने इसको जिंदा ही पकड़ लिया। तो अभी हम आर्मी के बेस पर जा रहे हैं। ओके, आर्मी का कर्नल है, हमारा वेट कर रहा है। तो भाई आर्मी का बेस है, काफ़ी दूर से ही दिख रहा है। ओके, इसका टावर है, आप देख सकते हैं सामने, तो काफ़ी पास ही में है। तो भाई देखते हैं कि आर्मी का कर्नल है हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है। ओके, ये जो आतंकवादी हमने पकड़ लिया है, अभी हमें काफ़ी सारे पैसे देगा और काफ़ी अच्छी अच्छी कार से हमें गिफ्ट करने वाला है, और हमारे ऊपर जितने भी पुलिस केस है वो सब रिमूव कर देगा। तो भाई उसने पहले ही बोला था कि तुम्हारे पर जितने भी पुलिस केस है ओके वो रिमूव हो जाएंगे और तुम्हें काफ़ी लग्जरी कार्स काफ़ी सारे पैसे है दूंगा। तो भाई हमने तो उसका काम कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि कर्नल है ओके अपना वादा निभाता है या नहीं। ओके, तो वो आर्मी का कर्नल है भाई, वो वादा नहीं भी निभाता है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, उसके पास पूरी आर्मी है और पूरी सिटी की पुलिस है, वो सिर्फ एक फ़ोन करेगा तो बुला देगा। तो चलिए गाइस, हम आर्मी बेस पे तो पहुंच चुके हैं। तो भाई बैरिकेड है, वो तोड़ना ही होगा, ये आदमी कभी बैरिकेड खोलता ही नहीं है। तो भाई हमने बैरिकेड है तोड़ दिया है। ओके, अभी ये आर्मी वाले हमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमारी ज़रूरत है। भाई आर्मी वालों को जब भी हमारी ज़रूरत होती है ना तो हम पर फायर नहीं करते हैं, वरना भाई जैसे ही गेट में आते हैं ना तो 3-4 पुलिस केस हो जाते हैं और पूरी पुलिस फोर्स और ये आर्मी वाले हैं भाई गोलियाँ फायर करने लगते हैं। ओके, टैंक है, रॉकेट है, भाई कार लेके आते हैं तो कार तो भाई ब्लास्ट ही कर देते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि कर्नल कहाँ पर है। तो भाई यहाँ से राइट लेना है। तो चलिए गाइस, हम पहुँच चुके हैं। तो भाई वो आर्मी का कर्नल कहाँ पर है यार? ओके, उसको ढूंढना होगा। तो भाई ये बैरक रहा, तो चलिए इसमें होगा। तो भाई सामने आप देख सकते हैं भाई, ये तो काफ़ी ओल्ड कार है यार, ये आर्मी का कर्नल है भाई, हमें काफ़ी पुरानी कार देने वाला है शायद भाई, लेकिन ये लास्ट वाली काफ़ी लग्जरी है और ये भी काफ़ी ओल्ड है। तो चलिए अभी हम इसको, ये बंदा है, सौंप देते हैं। तो भाई तुझे निकलना है या और मारूं क्या? तो चलिए आर्मी का कर्नल है, उससे बात करते हैं। तो भाई काफ़ी लग्जरी कार से, ओके कर्नल ने बोला था वैसा ये कर तो रहा है, रोल्स रॉयस की काफ़ी पुरानी कार हो ऐसा लग रहा है। तो चलिए अभी से बात करते हैं, और ये बंदा है इसको हम सौंप देते हैं। तो चलिए गाइस, मैंने आर्मी का कर्नल है उसे बात कर ली है। तो भाई अभी ये 3 कार है और हम 2 ही लोग हैं। ओके, 1 और 4 ये हमारी कार है। तो भाई अभी ये तीनों कार ले जाने के लिए हमें एक ट्रक मंगाना होगा। तो भाई चलिए मैं क्या करता हूँ कि ट्रेवर को फ़ोन कर देता हूँ कि भाई ट्रेवर है ट्रक लेके आ जाए, तो हम सारी कार है ट्रक में लोड करके ले जाएंगे। तो भाई ट्रेवर है बिजी बता रहा है। तो चलिए गाइस, मैंने ट्रेवर से बात कर ली है। तो भाई ट्रेवर है ट्रक लेके आ रहा है। तो चलिए गाइस, काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली ट्रेवर है ट्रक लेके आ गया है। तो अभी सारी कार है इस ट्रक में हम लाद देंगे, ओके फिर अपने घर है ले जाएंगे। तो हमने जो नया घर खरीदा है वहाँ पर नहीं जाएंगे हम, हमारा जो ओल्ड घर है ना वहाँ पर ही जाएंगे। तो भाई तू इतना स्लो क्यों चला रहा है? ओके भाई, ये आर्मी का एरिया है तो यहाँ सब रूल है उसका हमें पालन करना पड़ता है। तो भाई ट्रेवर है फाइनली ट्रक लेके आ गया है। भाई मैंने 2-3 घंटे है इसका वेट किया तभी ये ट्रक लेके आया है। तो चलिए ट्रेवर है ट्रक लेके आ गया है, तो सारी कार इसमें हम रख देते हैं। ओके, तीनों कार है इसमें आ जाएगी, काफ़ी बड़ा ट्रक है तो हम इसमें रख देंगे। तो चलिए गई, सारी कार है इसमें रख दी है और कर्नल है उस बंदे को लेके चले गए है। तो चलिए अपना ट्रक लेके हम भी निकलते हैं। तो भाई ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो भाई तीनों कार है हमने ट्रक पर लाद दी है, तो अभी हम माइकल का जो ओल्ड घर है ना वहाँ पर ही जाएंगे। तो भाई कर्नल ने है हमें पैसे भी दे दिए, ओके पैसे का बैग है पूरा भर दिया है। तो चलिए गाइस, अपने घर है मैं पहुँच चुका हूँ। तो अभी ये ट्रक है घर के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसको बाहर ही पार्क कर दूंगा। तो अपना जो ट्रक है ना उसको मैं यहाँ पार्क कर देता हूँ। तो अपना नया घर है ना, ओके वहाँ पर तो काफ़ी सारी जगह है, लेकिन वो जगह है पुलिस वालों ने देख ली है। तो सबसे पहले अपना जो बैग भरा है ना पैसों का, उसको मैं घर में रख देता हूँ। तो भाई कर्नल ने काफ़ी सारे पैसे भी दिए हैं, तो अभी हमें पैसों की कमी होने वाली नहीं है। तो भाई बैग भी रख देते हैं और अपने कपड़े हैं वो भी चेंज कर देते हैं।
तो गाइस एक दिक्कत हो गई है। ओके लेसनर का अभी मैसेज आया, भाई लेसनर को आर्मी वाले उठा के ले गए हैं। तो भाई अभी मुझे मालूम हो गया कि कर्नल का ये प्लान था, तो भाई उसने हमें आतंकवादियों के पीछे छोड़ दिया और पीछे से लेसनर को पकड़ लिया। तो भाई लेसनर ने कैसे भी करके ओके हमें मैसेज कर दिया है। तो भाई वो बोल रहा है कि तुम कैसे भी करके मुझे छुड़ा लो, वरना ये आर्मी वाले है ओके ज़्यादा देर मुझे जिंदा रखने वाले नहीं है। तो भाई अभी ये कर्नल का प्लान है पूरा समझ में आ गया। ओके हमें उसमें उलझा के रखा और भाई पीछे से लेसनर को किडनैप कर लिया। और आप जानते हैं कि भाई लेसनर का दिमाग कितना शातिर है ओके, तभी तो ये मैसेज कर सकता है। तो भाई आर्मी का कर्नल है, उसको पता है कि लेसनर हमारे पास आ जाएगा तो हम उसे कुछ भी करवा सकते हैं, हैकिंग करनी हो, कोई प्लान बनाना हो, तो भाई हमें कैसे भी करके लेसनर को है छुड़ा नहीं होगा। तो फिर से हमें आर्मी का बेज है वहाँ पर जाना होगा। ओके मैं अभी फ्रैंकलिन और ट्रेवर को तो नहीं ले जाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगी, तो लेसनर है हमारे हाथ नहीं आएगा। तो चलिए आर्मी का बेज है वहाँ पर चलते हैं। तो भाई ये आर्मी का कर्नल है, उसका प्लान भाई मुझे पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था। भाई लेसनर को उठा के चले गए हैं, तो भाई सिटी में कोई ऐसे लोग है उसने आर्मी का कर्नल है उसकी मदद की है। पहले क्या करते हैं कि हम लेसनर को छुड़ा लेते हैं, फिर लेसनर बोलेगा कि भाई किस किस ने मदद की है उसको हम ठिकाने लगा देंगे। पहले तो भाई लेसनर की जान है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, तो हमें लेसनर को छुड़ाना होगा। तो चले गए आर्मी का बेस है वहाँ पर, तो मैं पहुँच चुका हूँ। तो भाई आज मैं पूरे आर्मी को उड़ा दूंगा। तो गाइस अभी तो मैं एंटर हुआ और 4 पुलिस केस भी हो गए। भाई ये आर्मी वाले हैं ओके, जब भी उसको ज़रूरत होती है तो भाई हमको कुछ भी नहीं करते। और आज आप देख सकते हैं कि 4 पुलिस केस हो गए और कितने सारे हेलीकॉप्टर है वो आ गए। भाई हमारी लैम्बोर्गिनी है फोड़ देगा, तो भाई मैं आज इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो कि हमारी लैम्बोर्गिनी है उसको ब्लास्ट कर दी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि लेसनर को बचाते हैं। ओके इसका एयर डिफेंस है काफ़ी भाई तगड़ा है, तो अपनी गन है भाई मैं निकाल लेता हूँ। ओके मैं अपना रॉकेट लॉन्चर है वो अभी इसको दिखाता हूँ। तो भाई अभी मेरे पास जो गन है ना ओके वो लेसनर ने ही दी थी। तो भाई अभी आप देखना कि जैसे ही मैं इस पर फायर करूँगा ना, तो आप देख सकते हैं कि पूरा हेलीकॉप्टर ही ब्लास्ट कर दिया। ओके सामने कोई भी आएगा ना पूरा ब्लास्ट ही हो जाएगा। तो भाई तुम अभी रुको, तो भाई तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। तो भाई तू रुक 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 भाई तू रुक। भाई इसने लेसनर को किडनैप करने की कोशिश की है। तो भाई लेसनर को जो वो सामने टावर है ना उसमें रखा है, तो सामने आप टावर देख सकते हैं उसमें लेसनर को रखा है। तो भाई हमें कैसे भी करके वहाँ पर पहुँचना ही होगा। ओके पूरी आर्मी है अभी हमारे पीछे हो गई है। भाई हम पिछली बार आए थे तो भाई आर्मी वाले कुछ कह ही नहीं रहे थे, और जो टैंक है वो तो भाई इतनी आसानी से जा रहा था कि भाई कुछ यहाँ हुआ ही नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी फोर्स हमारे पीछे आ गई है। तो भाई इसका प्लेन भी आ गया है। ओके पूरी कार ही ब्लास्ट कर देते, हमारी लैम्बोर्गिनी भाई ब्लास्ट कर दी, लेकिन भाई मैं इन सभी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके मैं इसको चुन चुन कर मारूंगा। तो भाई हम इस टावर पर तो पहुँच गए हैं, तो चलिए इसको भाई आप देख सकते हैं कि किस तरह इस जीप को ब्लास्ट कर दिया। ओके हालत होती, अच्छा हुआ कि भाई मैंने आर्मर पहना है, वरना भाई ये आप देख सकते हैं। अब भाई तो रुक। ओके भाई टैंक को तो कुछ हो ही नहीं रहा। ओके टैंक को भाई इस गन से भी कुछ नहीं हो रहा। तो भाई टावर कहाँ गया? तो चलिए मैं यहाँ छुप जाता हूँ, पहले तो सभी को हमें मारना होगा। ओके अभी भाई हेलीकॉप्टर आया ना, तो इसको भी मैं ब्लास्ट कर दूंगा। ओके प्लेन भी ब्लास्ट कर दूंगा, अभी सामने जो भी आएगा ना उसको मैं ब्लास्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई लेसनर को हम बचा लेते हैं। तो भाई तुम जितने आ जाओगे आज मैं सबको मारूंगा। ओके इसने लेसनर को भाई मारने की कोशिश की है, भाई लेसनर को पकड़ लिया है। तो भाई ये अपने ऊपर ही ब्लास्ट करते हैं, पूरा भाई टैंक है जल गया। ओके हमारे लिए तो अच्छा है। तो भाई सामने से टैंक है वो गोला छोड़ रहा है, एक बार हम अंदर चले जाएंगे ना तो भाई ये टैंक वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई फाइनली हम अंदर तो आ गए हैं, अभी हम लेसनर को ढूंढते हैं कि लेसनर कहाँ पर है। तो एक कमरा यहाँ पर है तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो भाई ओके सामने भाई लेसनर है, मिल गया है। तो चले गए हमने फाइनली लेसनर को बचा ही लिया। तो भाई चल लेसनर तू मेरे पीछे पीछे ही आना। ओके तो भाई बाहर काफ़ी सारे आर्मी वाले हैं वो आ गए हैं। चलिए गाइस मैंने लेसनर को भी गन दे दिया है, तो भाई लेसनर भी काफ़ी बढ़िया फाइटिंग है जानता है। ओके सामने कोई भी आ जाता है तो काफ़ी अच्छी धुलाई करता है। तो भाई कितने सारे टैंक आ गए हैं, ओके आर्मी के जवान है। ओके यहाँ पर ही इकट्ठा हो गई है। तो भाई लेसनर तू छुप के ही रहना। तो भाई मैं तो बाहर आ चुका हूँ, ओके लेसनर को मैंने अंदर ही रखा है। तो भाई इसकी ही एक जीप उठा के हम चले जाएँगे। ओके एक बार इसकी जो जीप है ना वो आ जाए ना तो इसको उठा के हम ले जाएंगे। तो भाई इसका टैंक ही मैंने ब्लास्ट करा दिया। ओके इसके पास हम जाते हैं ना तो भाई सामने वाला बंदा है
ओके इस पर फायर करता है तो पूरा टैंक ही ब्लास्ट हो जाता है भाई, मैं कहाँ अटक गया। तो चलिए सामने हमें जीप भी मिल गई है, ओके और लेसनर भी बाहर आ गया है। तो चलिए भाई इसमें तो पंचर हो गया है, पर तो भाई टैंक जब तक यहाँ रहेगा ओके तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ओके कार में भी नहीं बैठ सकते हैं, तो पहले तो हम इसे टैंक से पीछा छुड़ाते हैं। ओके टैंक कार में हम बैठेंगे तो टैंक भाई इसको ब्लास्ट कर देगा। तो भाई इस टैंक को हमें कैसे भी करके फोड़ना होगा। तो भाई लेसनर तो अपना ख्याल रखना, पहले मैं इस टैंक को फोड़ता हूँ। तो भाई ये टैंक है ओके ब्लास्ट हो चुका है। तो भाई मैं किसी के भी पास जाता हूँ तो वो सीधा ही ब्लास्ट हो जाता है। तो भाई एक कार हमें मिल चुकी है, तो चलिए इस कार में बैठ जाते हैं। सामने काफ़ी सारी कार से अब तो भाई लेसनर तू जल्दी आ यार, ये लंगड़ा भाई मुझे भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा। ओके फिलहाल कोई टैंक नहीं है तो हम आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं, वरना भाई टैंक आ जाएगा ना तो पूरी कार ही ब्लास्ट हो जाएगी। तो पहले तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो दो टैंक है हमने ब्लास्ट कर दिए है, तो अभी सीधा ही हम अपना रास्ता पकड़ते हैं और ये आर्मी का बेस है यहाँ से निकलते हैं। ओके बाहर है पुलिस वाले होंगे तो उसे तो हम देख लेंगे, लेकिन भाई मुझे ये कार है वो भी चेंज करनी होगी। ओके आर्मी के बेस से हम निकले तो भाई अभी पुलिस वाले हमारे स्वागत के लिए है। तो भाई आज तो बुरी तरह पंगा हो गया है भाई, पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा है। ओके तो अभी हमें कोई ऐसी टनल में जाना होगा ताकि पुलिस वाले हैं हमें ढूंढ ना पाए। तो एक बार हमारा लोकेशन है लॉस्ट हो जाएगा ना तो फिर पुलिस वाले हैं हमें ढूंढ नहीं सकेंगे। ओके चले जाएंगे। तो भाई अभी आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार चला रहा है ताकि हम वो रास्ते पर चल ही ना सके। तो ये तो अच्छी बात है, हम इस पहाड़ों में आ गए ना तो यहाँ पुलिस वाले हैं काफ़ी कम आएंगे। तो भाई अभी अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आ गए, तो भाई हेलीकॉप्टर के सिवा यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से मैं उतर जाता हूँ। अभी भाई जो हेलीकॉप्टर है ना उसको अभी हम ब्लास्ट करेंगे। तो भाई मैंने अपनी मैजिक गन है निकाल दी है, तू भाई ले। तो थोड़ा सा भाई मिस हो गया, तो भाई हेलीकॉप्टर को मैंने ब्लास्ट कर दिया है। तो भाई दूसरा भी आ गया यार। ओके एक हेलीकॉप्टर को मैंने ब्लास्ट किया और दूसरा भी आ गया, तो चले इसको भी मैं फोड़ देता हूँ, तो तू भाई ले। तो भाई लेसनर ने जो गन दी है काफ़ी बढ़िया है। ओके सीधा हेलीकॉप्टर है कार है ब्लास्ट कर देता है। तो भाई यहाँ भी पुलिस वाले आ गए यार, तो लेसनर भी बैठ चुका है। तो चलिए यहाँ से अभी हम निकलते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि नदी का किनारा है ना वहाँ पर ही हम चलेंगे ताकि भाई पुलिस वाले है वो आ ना सके। और भाई आर्मी की जीप है तो काफ़ी बढ़िया है, ये ऐसे ऑफ रोड में भी आसानी से चल सकेगी। ओके हमारी लैम्बोर्गिनी होती तो भाई हम तेज़ी से निकल सकते थे। तो चलिए फिर से हम रोड पर आ गए हैं। तो भाई अभी मुझे सिटी में चलना होगा, सिटी में काफ़ी पतले रोड होते हैं तो वहाँ पुलिस वाले हैं अपनी कार लेके नहीं आ पाएंगे। तो भाई अभी मुझे टनल या तो फिर यह सिटी की नाली है ना मिल जाए ना तो हम आसानी से वहाँ पर छुप पाएंगे। और मेट्रो की जो लाइन होती है ना उसमें भी हम चले जाएंगे तो पुलिस वाले हैं वहाँ पर नहीं आएंगे। तो भाई पूरा रोड है ब्लॉक करके रखा है। तो चलिए गाइस मैं कैसे भी करके सिटी में तो आ गया हूँ। अभी यहाँ पर एक टनल थी, ओके तो उस टनल से हम अंदर चले जाएंगे ना तो भाई ये पुलिस वाले हैं हमारे पीछे नहीं आएंगे। तो भाई मैंने एक टनल देखी तो थी, शायद यहीं पर थी। ओके तो फाइनली हमें टनल भी मिल चुकी है। तो भाई पुलिस वाले अभी हमें ढूंढते ही रहेंगे, ये मेट्रो का कुछ काम है चल रहा है, सीधा ही टनल में चले जाते हैं। तो भाई पुलिस वाले थोड़ी देर वेट करेंगे फिर चले जाएंगे, उसको लगेगा कि भाई वो लोग हैं वो भाग चुके हैं। तो भाई यहाँ मेट्रो का कुछ काम चल रहा है काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पर पुलिस वाले हैं वो आते नहीं है तो हम आसानी से यहाँ छुप सकते हैं। तो भाई अभी लेसनर कह रहा है कि कुछ बंदों ने लेसनर को पकड़ाने में काफ़ी हेल्प की है आर्मी के कर्नल को। ओके तो उन सभी बंदों को हमें पकड़ना है। ओके पकड़ना तो नहीं है लेकिन सीधा ही मार ही देंगे, भाई लेसनर को कैसे पकड़ने की कोशिश की। तो अभी आर्मी का कर्नल है उसको मालूम हो गया होगा कि माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन और लेसनर से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए वरना भाई बुरा हो सकता है। तो अभी हम उसको बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। तो चलिए अभी जो लेसनर लोकेशन बता रहे हैं ना वहाँ पर हम चलते हैं और उन सभी बंदों को मारेंगे। तो भाई हम पहुँचने वाले हैं, लेसनर बोल रहा था कि यहाँ पर कसिनो है इसमें सारे बंदे है। तो भाई ये पुलिस वाले अभी भी हमारा पीछा कर रही है। ओके भाई ये हेलीकॉप्टर से हम पर फायर करने लगे। तो भाई अभी मैं इसको बताता हूँ, तो भाई अभी तुम कोई भी बचने वाले नहीं हो। ओके ले भाई तुम। तो अभी वो सारे बंदे हैं ना उसको भी देख लेंगे, भाई वो आ गए। तो चलिए गाइस वो भी सामने आ गए हैं, तो भाई सबको आज मारेंगे। ओके लेसनर को पकड़ाने में इन सभी बंदों ने है
ओके आर्मी के कर्नल की हेल्थ की थी, तो भाई तू रुक अभी, अभी तो कोई नहीं बचा ना। तो चलिए एक बंदा बचा था उसको भी लेसनर ने मार दिया है। तो लेसनर बोल रहा है कि भाई ये गैंग वाले ही थे जिसने आर्मी के कर्नल को बताया था कि लेसनर को ऐसे तुम किडनैप कर सकते हो, वरना भाई लेसनर है कभी किडनैप हो ही नहीं सकता है। तो भाई इसको भी गोली लगी है, तो भाई अभी इसको भी हमें हॉस्पिटल लेके चलना होगा। तो भैया पुलिस वाले कहाँ से आ गए? ओके सारे केस रिमूव हो गए थे फिर भी पुलिस वाले आ गए, तो भाई शायद आर्मी के कर्नल ने ही भेजे होंगे। तो भाई तुझे आना है या नहीं? ओके तो अभी इसकी जो जीप है हम छोड़ देते हैं, तो भाई लेसनर है इसलिए नहीं आ रहा। तो उसको पता है कि भाई इसमें जाएंगे तो फिर से पुलिस वाले हैं हमें ट्रैक कर सकते हैं, तो भाई हम दूसरी कार में चले जाएंगे। यहाँ काफ़ी सारी कार से सभी हमारी कार से, ओके हम जिस पर भी हाथ रखते हैं वो हमारी कार हो जाती है। तो भाई तू कहाँ गया? तो भाई ये लंगड़ा है तो काफ़ी देर लगती है चलने में, भाई इसके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भाई ये काफ़ी काम का बंदा है। तो चलिए लेसनर है बैठ चुका है, तो भाई यहाँ भी काफ़ी तगड़ी कार थी, लेकिन चलिए अभी इस कार को भी हमें फेंकना ही है। तो चलिए अभी हम घर चलते हैं, तो सबसे पहले लेसनर को हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे और इसका इलाज कराएंगे, और हमें भी काफ़ी गोलियाँ लगी है तो भाई हमारा भी इलाज कराना होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।